सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जितने अच्छे विचार होंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। छल में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। जिनकी हिम्मतों में जान है वो कहां मुसीबतों से परेशान है। आज का पंचांग 24 मई 2023 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 3:01 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र दोपहर 3:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:16 से 1:56 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 8:27 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मीन राशि 24 मई 2023 दिन बुधवार, अपने घर से दूर कोई छोटी यात्रा करने का मौका आपको मिल सकता है। आप अपने देखभाल करने वाले या भाई के साथ जा सकती हैं। ईमेल, फोन या टेक्स्ट के माध्यम से प्रभावी ढंग से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। एक अच्छा श्रोता होना कुंजी के समान है। जिन्हें आप प्यार करते हैं वही आपकी प्रेरणा और सच्ची राय का स्रोत है। इशारों पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतीत करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता जितना नुकसान आपके खराब विचार पहुँचा सकते हैं। मिले जुले फल वाला दिन रहेगा। हालांकि आपकी अनुशासित दिनचर्या में गति विधियां व्यवस्थित हो जाएगी। किसी निराशाजनक स्थिति से आपको राहत मिलेगी। उधार दिए हुए पैसे की वापसी हो सकती है। उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे दिन के शुरुआत में ही पूरा करने की कोशिश करें। आज चंचलता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस कारण केवल मौज मस्ती पर ध्यान दिया जाएगा। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है। मित्र के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा जो आपके जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कनेक्शन या आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को काम शुरू करने से पहले क्लाइंट के साथ चर्चा करनी होगी। पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। सावधानियां, किसी भी सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों की दूसरों के उम्मीद बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों की दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद ही निपटाने का प्रयास करें। कुछ कार्यों में सफलता न मिलने से मायूसी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ को निखारने के लिए दोनों में प्रेम के साथ साथ विश्वास होना बेहद जरूरी है। एक दूसरे को पत्र लिखना या संगीत नृत्य से अपने साथी को बहलाना आपकी इस रिश्ते की खासियत है। बस जीवन के फैसलों को एक दूसरे पर थोपे ना बल्कि मिलकर निर्णय लें। आज आपका दिन बेहद शुभ है। अच्छे दोस्त की तलाश है तो आज ऑनलाइन किसी खास को ढूंढें। रास्ते में कोई पसंद आए तो उसे देखकर मुस्कुराएं या किसी अजनबी से बात करके देखें। भाग्य आपका साथ देगा। अगर विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे व्यतीत करें। बात करते हैं करियर की। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही प्रचार व विज्ञापन भी आपके व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक होंगे। संगीत नृत्य या फोटोग्राफी जैसी कलाएं आपको पहचान और पैसा दिला सकती है। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्च ना करें। आज आपके व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है क्योंकि आपकी योजनाएं और रणनीतियां सही से काम नहीं कर रही। आपके काम के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। कानूनी परेशानियों से आपके व्यापार में समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें और काम की शांति तलाश करें। बात करती है सेहत की।
घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। अपनी दिनचर्या और खान पान संतुलित रखें। एलर्जी की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, प्रत्येक बुधवार को 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।